हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमेलिया के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पहला प्रश्न है हाथी का दंत विन्यास होता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट इज़ ए वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री अपॉन ज़ीरो ज़ीरो थ्री बी वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री अपॉन वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री सी वन जीरो टू थ्री अपॉन वन ज़ीरो वन थ्री डी टू ज़ीरो थ्री थ्री अपॉन वन ज़ीरो थ्री थ्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हाथी का जो डेंटल फार्मूला होता है वो वन जीरो ज़ीरो थ्री अपॉन ज़ीरो 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 थ्री होता है इसके अलावा अगर हम दूसरे देखें ह्यूमन बींग्स का देखें मानव का देखें तो मानव का जो दंत विन्यास होता है यानी डेंटल फार्मूला होता है वो टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री होता है ठीक है ये इक्वल कितना होगा थर्टी टू नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें हाथी का तो आपको पता चली गया है गाय भेड़ और बकरी गाय भेड़ और बकरी का क्या होता है जीरो जीरो थ्री थ्री अपॉन थ्री वन थ्री थ्री टोटल थर्टी टू और खरगोश का रैबिट का बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखेंगे रैबिट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है टू जीरो ट्वेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है लार्जेस्ट इसोफेगस फाउंड इन ए कुत्ता मछली डॉग फिश बी मेंढक फ्रॉग सी जिराफ डी गोरैया स्पैरो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जिराफ सबसे लंबी ग्रास नली जिराफ में पाई जाती है अगला प्रश्न है जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ इज ए सेवेंटीन बी सेवन सी ट्वेंटी सेवन डी थर्टी सेवन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेवन जिराफ में सर्विकल वर्टिब्री की संख्या सेवन होती है और जिराफ की ग्रीवा अधिक लंबी होती है यानी उसकी गर्दन जो होती है वो बहुत लंबी होती है और इसकी हर एक ग्रीवा कशेरुका की लंबाई लगभग कितनी होती है इसकी लेंथ कितनी होगी सर्वेकल वर्टिवरे की ट्वेंटी एट सेंटीमीटर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है मैमल विश्लेज एक्स ए खरगोश बी मैक्रोपस डी सी डक बिल्ड प्लेटिपस डी वेल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डक बिल्ड प्लेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है मेमोरी ग्लॉन्ट्स विदाउट ट्रीट आर फाउंड इन ए मैथाथीरिया में बी प्रोटोथीरिया में सी थीरिया में डी यू में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोटोथीरिया बिना चोचक के स्तन ग्रंथि प्रोटोथीरिया में पाई जाती है सिक्स क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लाइंग मैमल ए नेवला मंगूस, बी प्लेटिपस सी वेल डी छछूंदर मोल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्लेटिपस सेवेंथ क्वेश्चन है कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है विच एनिमल इज एक् एनिमल ए मैक्रोपस सी टेरोपस डी टेपसोसिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टैकि एथ क्वेश्चन इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमर्स ए कर्ण अस्थियां

ऑप्शन नंबर सी खरगोश रैबिट्स। खरगोश में क्या होता है खरगोश जो होता है वो मेमेलिया है और कौन से परिवार से आता है कौन सी फैमिली से आता है ये ये आता है लेपोरिड फैमिली से लेपोरिड फैमिली से आता है ये और ये मोस्टली विश्व के हर एक स्थान पर पाया जाता है और इसके जितने भी नवजात बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं अंधे बहरे और वाल विहीन होते हैं टेंथ क्वेश्चन है कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडिक्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेड्स ए एक जोड़ी वन पेयर बी दो जोड़ी टू पेयर्स सी तीन जोड़ी थ्री पेयर्स डी अलग अलग जातियों में अलग अलग वेरिएबल इन स्पेसीज टू स्पेसीज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल इन स्पेसीज टू स्पेसीज इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित है द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स ए सरसर्प एवं पक्षी रेप्टाइल्स एवं एंड वर्ड्स बी सरीसर्प एवं स्तनधारी रेप्टाइल्स एंड मैमल्स सी सरसर्व पक्षी एवं स्तनधारी रेप्टाइल्स एंड मैमल्स डी पक्षी एवं स्तनधारी वर्ड्स एंड मैमल्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी पक्षी एवं स्तनधारी रेप्टाइल्स वर्ड्स एंड मैमल्स ट्वेल्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को सूशक्त से बचाती है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमब्रेन डेट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन ए उल्प एमनियन बी जरायु करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उल्प एमनियन थर्टींथ क्वेश्चन सत्य क्या है विच इज ट्रू ए मछलियां शरीर एवं पक्षी असंपातीय है बी मछलियाँ एम्फीबियन एवं सरीसृप एमनियोटा कहलाते हैं पिशेज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एमनियोटा सी पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी हैं एव्स मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमोथम्स डी सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हिप्पोपोटामस पाया जाता है हिप्पोपोटामस इज फाउंड इन ए अमेरिका में बी अफ्रीका में सी एशिया में डी ऑस्ट्रेलिया में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में हिप्पोपोटामस जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है और ये सबसे भारी स्तनधारी जंतु है यानी सबसे भारी मेमोर का अगर नाम होगा तो वो कौन होगा हिप्पोपोटामस होगा और ये कैसे होते हैं ये हरवी होते हैं अगला प्रश्न देखते हैं फिफ्टींथ क्वेश्चन प्राइमेट्स में सम्मिलित है प्राइमेट्स इंक्लूड ए कपी तथा मानव एप्स एंड मैन बी बंदर कपी तथा मानव मंकीज एप्स एंड मैन सी लॉरिस लीमर्स एंड टॉर्सियर्स डी लॉरिस लीमर्स टॉर्सियर्स बंदर कपी तथा मानव लॉरियस लेमर्स टॉर्सियर्स मंकीज एप्स एंड मैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लॉरियस लिमर्स टॉर्सियस बंदर कपी तथा मानव नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कापर ग्रंथि होती है इसमें कापर ग्लैंड इज प्रजेंट इन ए मेंढक फ्रॉक्स बी केचुआ अर्थफॉर्म्स सी तिलचट्टा कॉकरोचेज डी खरगोश रैबिट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी खरगोश काउपर ग्रंथि किसमें पाई जाती है खरगोश में पाई जाती है सेवनटींथ क्वेश्चन तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है इसमें द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द ए खरगोश के हृदय में हार्ट ऑफ रैबिट्स बी खरगोश के मस्तिष्क में ब्रेंस ऑफ रैबिट्स सी कीटों के हृदय में हार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स डी ब्रेन्स ऑफ इंसेक्ट्स कीटों के मस्तिष्कों में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी खरगोश के मस्तिष्क में तीसरा वेंट्रिकल किसमें पाया जाता है ब्रेन ऑफ रैबिट्स में पाया जाता है 18th क्वेश्चन है किसमें जलीय जीवन अनुकूलन द्वितीयक होता है इन व्हिच एडप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी ए वेल में बी सील में सी पोर्पियोसिस में डी उपयुक्त सभी में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में ऑल ऑफ द अबव 19th क्वेश्चन ब्रक निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है रिनल पोर्टल सिस्टम इज एबसेंट इन ए मेंढक में फ्रॉग बी सशक में रैबिट सी छिपकली में लिजर्ड डी सरीश में रेप्टाइल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सशक में रैबिट तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम टी जी टी पी जी टी बायोलॉजी और दूसरे कम्पटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें